नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 7 अप्रैल को भारत बंद। आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सरना धर्म कोड की मांग की है। पत्र में आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता देने की मांग करते हुए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 31 मार्च तक सरना धर्म कोड की मान्यता की घोषणा नहीं हुई तो 7 अप्रैल 2024 को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। पत्र लिखा गया है कि सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की जीवन रेखा है, मगर आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोषी है। 1951 की जनगणना तक यह प्रावधान था जिसे बाद में कांग्रेस ने हटा दिया और अब भाजपा जबरन आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। उन्होंने आगे लिखा है कि 2011 की जनगणना में 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखा था जबकि जैन की संख्या 44 लाख थी। ऐसे में आदिवासियों को मौलिक अधिकार से वंचित करना संवैधानिक अपराध जैसा है। लातेहार में पुलिसिया जुल्म के खिलाफ युवकों ने निकाला कैंडल मार्च। वाहन चेकिंग के नाम पर बाइक चालकों के साथ लातेहार पुलिस के द्वारा की जा रही मारपीट एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ स्थानीय युवकों ने शनिवार की शाम एक कैंडल मार्च निकाला। इसमें स्थानीय लोगों का भी साथ मिला। कैंडल मार्च शहर के थाना चौक से निकाली गई और समाहरणालय मोड़ तक गई। कैंडल मार्च में युवकों ने पुलिस साथ दो, शांति की राह पर चलो, पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, अन्यथा व अत्याचार बंद करो, पुलिस तानाशाह समाज का अंधकार आदि लिखे बैनर लिए चल रहे थे। मौके पर नीतीश यादव, सूरज कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार और अनुभव आदि शामिल थे। बता दें कि वाहन जांच के नाम पर बाइक चालकों के साथ मारपीट की घटना से पूरा लातेहार उबाल में है। गत 5 जनवरी को शिक्षक संघों ने एक आक्रोश रैली निकाली थी। पीएम मोदी 13 जनवरी को आ सकते हैं धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को धनबाद आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस दिन प्रधानमंत्री धनबाद के सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाना हर्ल का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सिंदरी में स्थित उर्वरक कारखाना 31 दिसंबर 2002 को बंद हो गया था। बाद में यहाँ गैस आधारित उर्वरक कारखाने का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुमला जिले के आदिम जनजाति लोगों से बात करेंगे। वह उनसे गांवों के विकास, रहन सहन व पीएम जनमन योजना से मिल रहे लाभ की जानकारी भी लेंगे। गौरतलब है कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड आ चुके हैं। पीएम मोदी 14 नवंबर की रात को ही रांची पहुंचे थे जिसके बाद प्रधानमंत्री 15 नवंबर को खूंटी गए थे। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने झारखंड को 24,000 करोड़ की सौगात दी थी। झारखंड में 4 साल का होगा बीएड। सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स बंद। नए शैक्षणिक सत्र से बीएड 4 साल का होगा क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। वहीं 4 वर्षीय बीएड कोर्स में बीए, बीएड, बीएससी बीएड तथा बीकॉम बीएड का नाम भी बदल दिया गया है। अब इसका नाम इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी रखा गया है। रांची पहुंची जर्मनी महिला हॉकी टीम का हुआ स्वागत। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स रांची 2024 के लिए टीमों का आना जारी है। शनिवार 6 जनवरी की रात को जर्मनी वुमेन्स हॉकी टीम की खिलाड़ी रांची पहुंची। यहां उनका स्वागत झारखंडी संस्कृति के अनुरूप किया गया। झारखंड की महिलाओं के स्वागत नृत्य से मेहमान खिलाड़ी इस कदर अभिभूत हो गए कि वे भी उनके साथ नाचने लगी। जर्मनी के खिलाड़ियों ने कहा कि वह पूरे दमखम के साथ रांची में खेलेंगी। उनका एकमात्र उद्देश्य पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। हेमंत सोरेन ने खत्म कर दी सरकार की गरिमा, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी गरिमा खो दी है। इस साल सरकार की विदाई तय है, राज्य अपनी पहचान खो रहा है। इस बिगड़े हालात से राज्य को उबारने की बड़ी जिम्मेदारी आजसू पार्टी पर है। पतरातू लेक रिसोर्ट में आयोजित पार्टी के केंद्रीय कमेटी की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह में आजसू प्रमुख ने बातें कही।
पार्टी महाधिवेशन के बाद गठित नई केंद्रीय कमेटी की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह में सुदेश कुमार महतो ने सरकार के क्रियाकलापों पर जमकर हमला बोला। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने की बड़ी जिम्मेदारी आयशु पर है। सीएम हेमंत के प्रेस सलाहकार समेत तीन को ईडी का समान। झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिट्टू, साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को समन भेजा है। मामला अवैध खनन से जुड़ा है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने साहेबगंज डीसी को 11 जनवरी, विनोद सिंह को 15 जनवरी और सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिट्टू को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। इससे पहले ईडी उनके ठिकाने पर छापेमारी कर चुकी है। गिरिडीह पुलिस ने तीन जिलों में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार पुलिस की टीम ने 3 अलग अलग जिलों गिरिडीह, कोडरमा और जामताड़ा के अलग अलग गांव में छापेमारी कर कुल 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में गांडे थाना क्षेत्र के मरगोडीह का लक्ष्मण मंडल, दिनेश मंडल, मीनेश मंडल, जामताड़ा जिले के नारायणपुर का बलराम मंडल, प्रकाश मोहली, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गेंद्रो का जनेश्वर साव और बेंगाबाद थाना क्षेत्र का गादी का मनीष कुमार मंडल शामिल हैं। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 क्यूआर कोड, 1 बजाज पल्सर बाइक और 1 मारुति सुजुकी को बरामद किया है। जैप एक का 144वां स्थापना दिवस मना। जैप एक का इतिहास गौरवशाली रहा है। युद्ध भूमि से लेकर कर्तव्य मरायणता तक यहाँ के जवानों की विशेष पहचान है, इसलिए इसकी सभी जगहों पर मांग रहती है। ये बातें अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार मलिक ने कही है। वे शुक्रवार को जैप एक के 144वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा है कि जैप एक के जवानों की मांग काफ़ी बढ़ी है, स्ट्रेंथ भी बढ़ा है, ऐसे में अब यहां जगह की कमी होने लगी है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार से दूसरी जगह पर भी जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इससे पहले मुख्य अतिथि ने शहीद स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और सलामी दी। जैप के पुलिस उप महानिरीक्षक पटेल मयूर कन्हैया लाल ने कहा है कि यह वाहिनी भारत की सबसे पुरानी वाहिनी है। रिम्स में होमगार्ड के 372 जवान तैनात, फिर भी बेखौफ घूम रहे दलाल। रिम्स की सुरक्षा में होमगार्ड के 372 जवान तैनात हैं, इसके बावजूद परिसर में दलाल बेखौफ घूम रहे हैं। दलाल ओपीडी, जांच घर और वार्ड में आसानी से पहुंचकर मरीजों को फंसा लेते हैं। अब तक कई मरीजों से ठगी हो चुकी है। हालांकि होमगार्ड जवानों का कहना है कि रिम्स कर्मचारी आई कार्ड नहीं पहनते हैं, इसलिए पहचान मुश्किल हो जाता है। आई कार्ड अनिवार्य होने से अनावश्यक लोगों पर पाबंदी लग पाएगी। बिजली की खपत ज्यादा और लोड कम होने पर होगी कार्रवाई। घर व प्रतिष्ठानों में बिजली की खपत ज्यादा और निर्धारित लोड कम होने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए JBVNL के अधिकारी लोगों के घर घर जाकर लोड की जाँच करेंगे। जांच में तय से ज्यादा बिजली की खपत पाए जाने पर लोगों से तत्काल लोड बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। खुद से लोड बढ़ाने के लिए JBVNL के अधिकारी उपभोक्ताओं को कुछ दिन का समय देंगे। इस बीच लोड नहीं बढ़ाने वालों के खिलाफ बिजली चोरी के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। JBVNL द्वारा हाल में किए गए सर्वे के अनुसार धनबाद एरिया बोर्ड में लगभग 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ता 2 किलोवाट का लोड लेकर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से कई उपभोक्ताओं की बिजली खपत निर्धारित लोड से अधिक है। बंगाल के बाद झारखंड में भी ईडी को खतरा, बढ़ाया जा रहा सुरक्षा घेरा। ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक साजिश रचने की पुष्टि व बंगाल के बाद अब झारखंड में भी खतरा को भांप कर ईडी ने तैयारी शुरू कर दी है। ईडी कार्यालय की सुरक्षा में केंद्रीय बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की जा रही है। ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा घेरा भी मजबूत किया जा रहा है। संभावना बन रही है कि इसी माह ईडी कुछ रसूखदारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करेगी। ईडी ने सुरक्षा के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी पत्राचार किया था, जिसके बाद से सुरक्षा कड़ी करने की कवायद चल रही है।
कांग्रेस को सीटों पर करना होगा समझौता। अशोक चौधरी। बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह जदयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी ने शनिवार को कहा है कि चार राज्यों में इंडिया के सहयोगी दल साथ चुनाव प्रचार करते तो चुनाव का नतीजा कुछ और होता। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे में किचकिची के सवाल पर उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने में सफल होता है तो इसका सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसलिए सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को थोड़ा समझौता करना होगा। झारखंड प्रभारी शनिवार को रांची का हटिया स्थित फूड कोर्ट बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यकर्ता मंथन शिविर के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। मुख्यमंत्री पर गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा जैसा किया वैसा भरेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जैसा हेमंत ने किया है वैसा ही भरेंगे। हेमंत सोरेन का अगला ठिकाना होटवार जेल है। जांच एजेंसी के लगातार छापे और पैसों की बरामदगी से साफ हो गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आखिर मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? अगर वह गलत नहीं है तो फिर उन्हें ईडी के सवालों का जवाब सीना तान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। पहले जेल से व्यवसायियों से रंगदारी की मांग, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। हजारीबाग में स्कूल जा रहे छात्र को ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूर बड़का गांव हजारीबाग मेन रोड पर शनिवार की सुबह करीब 7 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल जा रही 7वीं की छात्र की मौत हो गई। छात्र की पहचान दीपक कुमार 13 साल पिता किनू साव के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने केरेडारी बड़का गांव मार्ग को जाम कर दिया। मुआवजे व नौकरी की मांग के साथ नो एंट्री की सख्ती से लागू करने की मांग की है। 3 बजे सहायता के रूप में 1 लाख नगद तथा एनटीपीसी द्वारा पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति की नौकरी के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। प्रभु राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला बीसीसीएल कर्मी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीसीसीएल कर्मी हसनैन अंसारी को तोपचांची थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। तोपचांची थानेदार जयराम प्रसाद खुद सूचक बनकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हसनैन गिरिडीह के डुमरी थाना के फतेहपुर परसा बेड़ा का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि हसनैन बीसीसीएल में कार्यरत है, यहाँ वह कार्मिक नगर में रहता है। तोपचांची के एक कॉलेज में वह छात्र भी है, वहाँ से वह माइनिंग की पढ़ाई कर रहा है। कोल्हान में मुर्गों पर लगाते हैं लाखों के दाव। कोल्हान में टुसू पर्व पर मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया जाता है। यहाँ मैदान में 2 मुर्गे लड़ते हैं और उनकी लड़ाई देखने को हजारों लोग भीड़ उमड़ती है। कोल्हान में टुसू पर्व पर ऐतिहासिक मेला लगते हैं, इस दौरान यह दृश्य देखने को मिलता है। खास बात यह है कि महीने भर यह दौर चलता रहता है। आदिवासी बहुल इलाकों में पर्व की तैयारियां जोरों पर है। इसके साथ ही पारंपरिक मुर्गा लड़ाई के शौकीन लोगों ने भी लड़ाकू मुर्गों को तैयार करना शुरू कर दिया है। मेले में लगभग हर गाँव में मुर्गा पाड़ा लगता है। जमशेदपुर शहर की बात करें तो सोनारी दोमुहानी व भोयाडीह में भी आदिवासियों के मनोरंजन के इस पारंपरिक आयोजन में हजारों मुर्गे लगाए जाते हैं। खुट्टी में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। रांची में 13 से 19 जनवरी तक होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए अभ्यास करने भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार शनिवार की शाम 4 बजे खुट्टी पहुंची। हॉकी में भारत को पहला स्वर्ण दिलाने वाले जयपाल सिंह मुंडा की धरती की माटी में खिलाड़ियों ने 1 घंटा 20 मिनट तक अभ्यास किया। सभी खिलाड़ियों का पारंपरिक नृत्य से खुट्टी की बच्चियां ने स्वागत किया। खिलाड़ियों को अभ्यास करते देखने के लिए काफी संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय खेल प्रेमी बिरसा कॉलेज परिसर में बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में पहुंचे थे। खिलाड़ियों में पहले वार्म अप और उसके बाद अभ्यास किया गया। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करना चाहती है हेमंत सरकार। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। कांग्रेस झामो और रायत गठबंधन का चरित्र ही पिछड़ा विरोधी है। झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का नाटक करने वाली सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ों के हक पर डाका डाला। आगे यह सरकार निकाय चुनाव भी बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए कराने की मंशा रखती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हेमंत सरकार ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं करा रही है?
साहू ने कहा है कि एक तरफ यह सरकार 27% आरक्षण देने का ढोंग करती है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त आरक्षण को भी छीनना चाहती है। हेमंत सरकार के कैबिनेट से पारित उस प्रस्ताव का अब तक क्या हुआ जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का फैसला हुआ था। आदिवासी एकता रैली 4 फरवरी को। 4 फरवरी को होने वाले आदिवासी एकता रैली को लेकर आदिवासी एकता महारैली के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा, डब्लू मुंडा, आदिवासी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कक्षप और दिनेश मुंडा ने कर्म टोली के धुमकुड़िया भवन में शनिवार को पीसी की। उन्होंने कहा है कि आदिवासी विरोधी नीतियां और आदिवासी समुदाय को आपस में लड़ाने के विरोध में 4 फरवरी को मोराबादी मैदान में 12 बजे आदिवासी एकता रैली का आयोजन होगा जिसमें राज्य भर के 20,000 आदिवासी शामिल होंगे। रैली को सफल बनाने के लिए 31 सदस्य संयोजक समिति बनाए गए हैं। 15 जनवरी 2024 को रांची में आदिवासी बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन होगा। रैली आदिवासी मुद्दों पर व्यापक एकता बनाने पर केंद्रित रहेगा। एक देश एक चुनाव पर जनता से मांगे गए सुझाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर गठित समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रासंगिक ढांचे में उचित बदलाव को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। उच्च स्तरीय समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुझाव पर विचार किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि सुझाव समिति की वेबसाइट पर दिए जा सकते हैं या ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था और अब से 2 बैठकें की गई है। हाल में समिति में राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर देश में एक साथ चुनाव कराने पर उनके विचार मांगे थे। यह पत्र 6 राष्ट्रीय दलों, 22 क्षेत्रीय दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को भेजे गए थे। धन्यवाद।